सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है बंगाल से हिंसा की। मतदान के दिन भी पश्चिम बंगाल में हिंसा थमी नहीं है। पश्चिम बंगाल के केसीआरी में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई से मौत का आरोप है। टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक हिंसा का एक लंबा दौर हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, और एक बार फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उनकी पिटाई से पश्चिम बंगाल के केसीआरी में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पिछले 72 घंटे में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत की खबर आई है और ज्यादातर में टीएमसी पर इसका आरोप लगा है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविशंकर, इस मामले के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी ये आया है कि कल रात को केसीआरी में दो परिवार के बीच आपस में झमेला हुआ, और इसको शराब पीने से लेकर इसको झमेला ये हुआ है, और उसका बाद दोनों परिवार के अंदर मुठभेड़ हुआ जिसमें एक व्यक्ति का मौत हो गया। अब बीजेपी का आरोप यह है कि जो व्यक्ति का मौत हुआ है वो बीजेपी का कर्मी था, लेकिन परिवार के तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है या तो फिर ऐसा कोई मांग नहीं किया गया है कि वो बीजेपी का कर्मी था। अब यह आरोप बीजेपी के तरफ से है कि जो व्यक्ति का मौत हुआ है वो नहीं, लेकिन रविशंकर ये बताइए, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? और 72 घंटे में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर हमले और मौत की खबरें हैं, और अधिकतर में या सब में टीएमसी पर आरोप लग रहा है, तो ये हिंसा थम नहीं रही है चुनाव के दौरान भी? देखिए, जैसे आपको पता है पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा के वातावरण है ये आज से शुरू नहीं हुआ है, जब से चुनाव घोषणा हुआ है उसके बाद से लगातार ये चल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।